नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन, गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जीआरपी ने एक तस्कर को 5 किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार। सीओ उमाशंकर ने किया खुलासा, कहा बरामद चरस की कीमत 50 लाख से अधिक। कमल शक्ति अभियान का हुआ शुभारंभ। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पार्टी में महिलाओं की भूमिका है महत्वपूर्ण, जोश में है महिला कार्यकर्ताएं। बहुजन समाज पार्टी की गोरखपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुई संपन्न। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए की गई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषक समाज पर विभिन्न मुद्दों के प्रभाव और निराकरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न। सपा बसपा के गठबंधन के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हुई चर्चा। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत एनएस चिल्ड्रन एकेडमी खोराबार ने धर्म एकेडमी कूड़ाघाट को 2-0 से हराकर फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह किया पक्का। अब समाचार विस्तार से। जीआरपी ने एक तस्कर को 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार कर खुलासा किया है कि जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख से अधिक बताई जा रही है। कुंभ मेले के दौरान गोरखपुर से जाने वाली भीड़ भाड़ की चेकिंग में जीआरपी पुलिस शनिवार को जुटी हुई थी। उसी दौरान मुखबिर ने पुलिस को जानकारी दी थी कि एक व्यक्ति चरस लेकर जा रहा है। जब उस व्यक्ति की जीआरपी पुलिस ने तलाशी ली तो उसके पास से 5 किलो से अधिक चरस बरामद हुआ और उसके पास से गोरखपुर से मुरादाबाद का टिकट मिला। जब पुलिस ने उससे पूछताछ किया तो अपना नाम राम बाबू यादव निवासी बेतिया बिहार पश्चिमी चंपारण बताया और ये भी बताया कि नेपाल से बेतिया बिहार होते हुए मैं गोरखपुर आया और यहाँ से मुरादाबाद ले जाकर किसी व्यक्ति को देना था। जीआरपी ने राम बाबू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जीआरपी सीओ उमाशंकर सिंह ने कहा ये कुंभ मेला के परिप्रेक्ष्य में 4 मार्च तक एक कप्तान साहब के निर्देशन में एक अभियान चल रहा है जिसमें चेकिंग की जा रही है। इसी में एक राम बाबू यादव के पास पिछली रात में 1 तारीख की रात में उसके पास चरस के पैकेट बरामद हुए। 10 पैकेट चरस था जिसका वजन 5.196 किलो लगभग 5 किलोग्राम से अधिक है। और ये अभियान हमारा 4 मार्च तक चलेगा। कप्तान साहब के निर्देशन में पूरे जीआरपी अनुभाग में ये अभियान चल रहा है। बाज़ार में तो 50 लाख के करीब इसकी कीमत है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 50 लाख है और जो पकड़ा गया है उसका आपराधिक इतिहास भी है। पहले वो एक मुकदमे में इन्वॉल्व था। हाँ, पुलिस ये एक अभियान चल रहा है, मैंने बताया ना, ये 14 जनवरी से 4 मार्च तक के लिए एक कार्य योजना बनाई है हमारे एसपी साहब ने, एसपी रेलवे साहब ने एक कार्य योजना बनाई है जिसके तहत हमें भी कुछ काम मिले हुए हैं, कुछ सीओ गोरखपुर को मिले हुए हैं और सबको टास्क दिया गया है, इवन सिपाही तक को टास्क दिया गया है और अभी उनको एप्रिसिएट करने के लिए ढेर सारे कार्यक्रम भी हैं। तो चेकिंग हमारी चल रही, इसी से सफलता मिली है और कोई ऐसा नहीं। ये मुरादाबाद से बेतिया से मुरादाबाद लिया जा रहा था। सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय में शनिवार को कमल शक्ति अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह का महिला मोर्चा की पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया।
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से विधानसभा स्तर पर सम्मेलन हो रहा है, उसके लिए मैं आई हूं। हमारी महिला मोर्चा की टीम शुरू से ही जोश में है। कार्यक्रम में पूर्व महापौर अंजू चौधरी, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला देवी द्विवेदी, बीजेपी महिला मोर्चा के महानगर अध्यक्ष नेहा चौधरी, महामंत्री चित्रा देवी, श्वेता सिंह सहित महिला मोर्चा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह ने कहा, बहुत देर से मीडिया के लोग आज का ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से विधानसभा स्तर पे सम्मेलन हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं उसी लिए आई हूँ आज यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे। और रही बात आप जोश भरने की, तो हमारी महिला मोर्चा की टीम शुरू से ही जोश में है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका जी तो शुरू से ही काम कर रही थी वहाँ, वो अभी महासचिव बना दिया गया, तो उनसे हमें कोई डर नहीं है। हमारी महिला मोर्चा की टीम हर बूथ पे, 5 सक्रिय कार्यकर्ता हमारी तैनात हैं और हम हर तरह से तैयार हैं, हमें किसी का डर नहीं। वादे तो ये हमारी सरकार जब वादे करती है तो उसको पूरा भी करती है। और आपको मैं बता दूं, अभी बताया मैंने कि बूथ स्तर पर महिला मोर्चा की जो बहनें हैं हर बूथ पर 5 सक्रिय कार्यकर्ता हमारी आज की डेट में तैनात है। और ये जो सम्मेलन हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं विधानसभा स्तर के, और इस सम्मेलन के द्वारा हम जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से खासकर महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएँ चला रखी हैं, किस तरह से उससे महिलाओं का विकास हो सकता है, किस तरह से उसका लाभ मिल सकता है या क्या मिला है, इसको लेके जो सम्मेलन हो रहा है, तो ये अपने आप ये बात कहते हैं कि प्रचार प्रसार इन बातों का हो रहा है। देखिए हमारी जो महिला कार्यकर्ता हैं, आपको मैं बता दूं, मुझे गर्व है अपने ऐसे टीम पर। अगर थोड़ी कमियां भी होंगी तो वो कभी कहती नहीं हैं, बड़े जोश के साथ वो काम कर रही हैं। ये आपको ये हमारी ये टीम पूरी दिख रही होगी जोश के साथ, कि पिछले 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है और इनका जोश आप भी देख रहे होंगे, तो इनकी कोई शिकायत नहीं होती है। थोड़ी बहुत है तो वो खुद अपने आप उससे निपट लेती हैं। बहुजन समाज पार्टी का गोरखपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक बुधवार को तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य जोन इंचार्ज गोरखपुर एवं बस्ती मंडल इंदल राम मुख्य अतिथि रहे। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत बनाने के लिए समीक्षा बैठक के दौरान चर्चा किया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश गणेश शंकर पांडे, चिल्वापार विधायक विनय शंकर तिवारी, कल्पनाथ बाबू, बिरजेश कुमार, लालजी भारती आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जोन इंचार्ज गोरखपुर मंडल बजान जी निषाद ने कहा, हमारा गठबंधन का झंडा है। आदरणीय श्री विजय कुमार गौतम जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं।
गोरखपुर मंडल के मंडल जोन इंचार्ज प्रेम कुमार जी, गोरखपुर मंडल के मंडल जोन इंचार्ज ऋषि कपूर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं, जो निशान समाज के ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके और तमाम अपनी जिम्मेदारियों को बहुजन समाज पार्टी में निभाने का काम किया बड़े भाई माननीय श्री प्रदीप कुमार बजानजी निषाद मुख्य जोन इंचार्ज गोरखपुर मंडल। ये कार्यक्रम जो है बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में गोरखपुर पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक है। इसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने मुखिया के निर्देश पर जो उनको जिम्मेदारी दिया गया, जो काम दिया गया था, अब तक संगठन में हम कहां तक कितना काम किए उसकी समीक्षा बैठक है और उस आधार पर ये गोरखपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं का बैठक बुलाया गया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि आएंगे, जो अपनी नेता का जो निर्देश है वो बताने का काम करेंगे। बात मात्र इतना है कि हम लोग इस कार्यक्रम में इस नाते उपस्थित हैं कि अब तक ले हमारे संगठन के लोगों ने कितना काम किया उसकी एक समीक्षा बैठक है और इस समीक्षा बैठक में हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हम एक दूसरे से रूबरू होंगे, एक दूसरे से अपना बातचीत करेंगे, उनसे हम अपना जो है संगठन के बारे में पूछताछ करेंगे। ये आज का मुख्य एजेंडा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जीआरपी ने एक तस्कर को 5 किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार। सीओ उमाशंकर ने किया खुलासा, कहा बरामद चरस की कीमत 50 लाख से अधिक। कमल शक्ति अभियान का हुआ शुभारंभ। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पार्टी में महिलाओं की भूमिका है महत्वपूर्ण, जोश में है महिला कार्यकर्ताएं। बहुजन समाज पार्टी की गोरखपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुई संपन्न। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए की गई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषक समाज पर विभिन्न मुद्दों के प्रभाव और निराकरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न। सपा बसपा के गठबंधन के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हुई चर्चा। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत NS चिल्ड्रन एकेडमी खोराबार ने धर्म एकेडमी कूड़ाघाट को 2-0 से हराकर फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह किया पक्का। अरकम सी ट्रेवल्स आर ए खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐशप्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर ICU, NICU और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए IVF, ICSI, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें और सिटी स्कैन, 2D इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावा, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7700690002।
रॉयल लोगो की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। बात करके देखते हैं, बात करनी चाहिए बात। अमु बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है। समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था? अमू तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए। हाँ है ना पापा? हाँ किससे बात कर रहे हो? अमू किसी से नहीं। ओ मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स भारत पेट्रोलियम के अपोजिट नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा शनिवार को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक एनवायरमेंटल हैजार्ड लाइवलीहुड इश्यूज एंड रेजिलियंस इन एग्री यंग सोसाइटी ए क्रॉस डिसिप्लिनरी एनालिसिस। शनिवार को कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पूर्व अध्यक्ष विभाग प्रोफेसर नूर मोहम्मद विशिष्ट अतिथि रहे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय प्रकोप तथा तत्जनित विभिन्न विध्वंसनात्मक परिणाम व इनका जीविका के विभिन्न मुद्दों पर कृषक समाज पर इसके प्रभाव व निराकरण पर गंभीर चर्चा के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राष्ट्रीय कार्यशाला समन्वयक प्रोफेसर एस के सिंह और प्रोफेसर के एन सिंह ने कहा, the induction of new technology in agriculture by looking experienced by the agricultural sector in the season after disasters are twice as high as the direct damage to agricultural sectors. Second observation is almost three-fourths. Now, if this is the situation of the natural hazards and disasters, let us see how it is vulnerable for agrarian societies. In agrarian societies, agriculture is the basic occupation of man. In this context of this region and also in national context, I have just pondered over a few points. Number one, next one. Around 65% of India's population agriculture provides food and fodder to animals. Agriculture is also a source of foreign exchange. It provides about nearly 234 million in 2001 to in 2011.
प्रोफेसर एस के सिंह, मैं राष्ट्रीय कार्यशाला का समन्वयक हूँ, इस समय भूगोल का विभाग अध्यक्ष भी हूँ दीनदयाल उपाध्याय गुरु विश्वविद्यालय में। ये राष्ट्रीय कार्यशाला है, दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसमें पर्यावरण प्रकोप और कृषक समुदाय, कृषक समाज पर उसके क्या प्रभाव हैं, इस पर गहन परिचर्चा के लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से और झारखंड से, तमाम अलग अलग विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञ इस पर अपने विचार देंगे। ये क्षेत्र चूँकि आप पूरी तरीके से देखें तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हमारा कृषक समुदाय है, इसको कैसे निजात पाया जाए, क्या समस्याएं हैं, समस्याएं कैसे उत्पन्न हुई हैं और निजात कैसे पाया जाए, इस पर गहन चर्चा के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई है। निश्चित तौर पर सबसे पहले कोई पर्यावरणीय प्रकोप होता है, उससे प्रभावित होने वाला जो है हमारा कृषक समुदाय है, क्योंकि उसका ताना बाना वो अपने को नहीं हटा सकता, और चीज़ें हैं और व्यवसाय हैं वो उतने मौसम को प्रभावित नहीं करते, या कह सकते हैं पर्यावरणीय प्रकोप उन पर उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। कई चीज़ें हैं पर्यावरणीय प्रकोप में, चूँकि मानव के क्रियाकलापों से ही बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, जैसे वन कटते गए, वन के कटने का परिणाम ये होता है कि मिट्टियों का कटाव होता है, मिट्टियाँ कटाव होकर के नदियों के जो वैली है वो भर जाती है, कालांतर में बाढ़ विभीषिका का रूप ले लेता है। ये इस तरीके से बहुत बहुत कुछ समस्याएं जो है उससे उत्पन्न होती हैं, तो इसको कैसे दूर किया जाए, इसके क्या क्या पक्ष उसके सुधार के लिए होंगे, वो जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग हैं उस पर एक गहन चर्चा होगी, ताकि कोई निष्कर्ष निकले तो उसको शासन को प्रेषित किया जा सके, शासन को उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो भेज करके, ताकि उस पर जो भी भविष्य में आयोजना बने, योजना बने, तो उससे कुछ निजात मिल सके। प्रोफेसर केएन सिंह, वाइस चांसलर राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय गौरव विश्वविद्यालय गोरखपुर के भूगोल विभाग द्वारा प्रोफेसर एस के सिंह के नेतृत्व में इन्वायरमेंटल हजार्ड और एग्रीकल्चर तथा पर्यावरण संरक्षण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी जो बहुत ही समसामयिक है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और कृषि तो संगोष्ठियों के पर्याय बन चुके हैं। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर आखिर बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण का समाधान क्या हो, इस पर चिंतन और मनन प्राय होता रहता है। मेरा अटूट विश्वास है कि इस संगोष्ठी में देश भर के जो भूगोलवेत्ता आए हुए हैं भारत के कोने कोने से, अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने कार्यों से, अपने अनुभवों से एक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया आयाम देंगे, ऐसा मेरा अटूट विश्वास है। जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को पार्टी के पेदियाहाता स्थित कार्यालय पर पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का संचालन सपा के जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य ने किया। बैठक में जवाहरलाल मौर्य, फिरंगी प्रसाद, अवधेश यादव, मनोरंजन यादव, रामलखन पासवान, रूपावती बेलदार, मिर्जा कदीर बेग, अशोक यादव, रामनाथ यादव, श्याम देव निषाद, पंकज शाही, दयानंद विद्रोही, रामजतन यादव, मनोज निषाद, शकील अंसारी, संजय पहलवान, मैना भाई, अभिमन्यु यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू जवाहर यादव सहित भारी संख्या में सपाई मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, यादव जी, हरी चंद्र साहब,
आज की बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी है, धान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के दूसरा बिंदु है, ये हमारी रूटीन बैठक है महीने के हर पहले शनिवार को समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जनपद की होती है और उसी रूटीन बैठक के क्रम में यह बैठक चल रही है। इसमें ज़िले में जो स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं उसको लेकर के एजेंडे में हम लोग शामिल रखते हैं। आज के एजेंडे में जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है उसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और जो एम्स और फर्टिलाइजर के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ है उस पर भी आज चर्चा होगी। आज चर्चा होगी कि तमाम जो हमारे दक्षिणांचल में जिले के बसई जितवारपुर बंधा जो कट रहा है घाघरा के कटान से, जिस पर 15-20 दिन से लोग ग्रामीण लोग वहां धरना दे रहे हैं और ये सरकार और यहां के नुमाइंदे सरकारी कर्मचारी कोई उस पर रुचि नहीं ले रहे हैं, उस पर भी समाजवादी पार्टी नोटिस लेगी और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी नोटिस लेगी। आने वाले चुनाव में हम मतदाता सूचियों का सत्यापन करवाने के लिए, जो मतदाता हैं उनका सत्यापन करवाना है तो मतदाता सूचियाँ आई हैं उस पर भी बात होगी, यही सब मुद्दे रहेंगे। पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के मैदान पर चल रहे फुटबॉल का एक मैच शनिवार को एनएस चिल्ड्रेन एकेडमी खोराबार और धर्म एकेडमी कूड़ाघाट के बीच खेला गया। सेमीफाइनल के स्थान पर बनाने के एनएस चिल्ड्रेन एकेडमी खोराबार और धर्म एकेडमी कूड़ाघाट के बीच खेले गए। इस मैच में खोराबार के खिलाड़ियों विरोधी टीम पर शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और धर्म एकेडमी कूड़ाघाट को 2-0 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की किया। जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जीआरपी ने एक तस्कर को 5 किलो चरस के साथ किया गिरफ्तार। सीओ उमाशंकर ने किया खुलासा, कहा बरामद चरस की कीमत 50 लाख से अधिक। कमल शक्ति अभियान का हुआ शुभारंभ। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा पार्टी में महिलाओं की भूमिका है महत्वपूर्ण, जोश में है महिला कार्यकर्ताएं। बहुजन समाज पार्टी की गोरखपुर मंडल स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक हुई संपन्न, पार्टी को मजबूत बनाने के लिए की गई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कृषक समाज पर विभिन्न मुद्दों के प्रभाव और निराकरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई संपन्न, सपा बसपा के गठबंधन के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हुई चर्चा। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत एनएस चिल्ड्रन एकेडमी खोराबार ने धर्म एकेडमी कूड़ाघाट को 2-0 से हराकर फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह किया पक्का। अब आप मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।